वेलकम बैक नाजरीन और वेलकम टू डॉक्टर मोइस लाउंज टोपी वाला हमारे साथ एक कॉलर है मारिया साहिबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है इस प्रोग्राम में। अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक जी। सर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बीएससी ऑनर्स फाइनल की हूँ। माशाल्लाह। मेरा ये है कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये, मतलब मैं पढ़ भी लेती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये कि और मैं मतलब अब ये है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, आई एम गोइंग टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना, मैं पढ़ते हुए थोड़ी सी रिलक्टेंट हो जाती हूँ, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन इधर से उधर हुई, टाइम ज्यादा लगता है पढ़ने में, तो ये मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये क्यों मसला होता है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल कर। आपका नाम भी हमने वाउचर के लिए डाल दिया, रेखी और फोर डायमेंशन के लिए, जो 26-27 तारीख को रावलपिंडी में हो रहा है। अच्छा जी, ये तो आपने टोपियों की बात कर दी, अब जरा थोड़ा नाजिम का एक चीज़ और कलर मतलब कंफर्म कर देते हैं कि अगर आपको हमने कहे दो कलर मिला के करना है तो आपके बच्चे के दो सर तो निकलने सर है, उसका बेचारे का एक ही रहेगा, तो यूं दो नहीं बना देने। मतलब है कि इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज फॉर एग्जांपल येलो हेड को पहन के अगर उसको किसी चीज को एनालाइज करना है या पॉजिटिव एस्पेक्ट को करना है और इसमें इसको बहुत लॉजिकल होके देखना है ब्लैक कैट कैप के अंदर, तो इन दोनों चीजों को वो किसी प्रॉब्लम के लिए यूज करेगा, जिस तरह के बहुत सारी और चीजों के लिए हम डबल कलर यूज करेंगे अभी जो बताने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन जैसे ही ऑन होती है तो हम आपको बता देते हैं। और वो लोग जो ये प्रेजेंटेशन आज मिस कर जाएंगे या नहीं उतार सके या कोई भी आपके साथ इशू था, सो व्हाट यू कैन डू इज दिस, कल हमारी वेबसाइट है www.moizhussain.com, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये वाली जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो वेबसाइट पर होगी, आप उसको देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो इट विल बी देयर, डोंट वरी। कोई आप सिर्फ आप सुने इस वक्त, ज़रा लिखने विखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो वेबसाइट से कल जाके उतार सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब सीक्वेंस आ गए और सीक्वेंस में क्या है आप बताएं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को बड़ा क्रिटिकली देखना, किसी सिचुएशन को देखना हो, किसी प्रोजेक्ट को देखना हो, और उसके बाद वाइट हैट हेड पैन के उसके फैक्ट्स देखने हो, फिर ब्लैक से उसकी डिफिकल्टी देखनी हो, क्योंकि अगर ये मशीन टूट गई तो क्या होगा, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया क्या हो गया, दाम बढ़ गए तो क्या होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो क्या होगा, कॉन्स प्रो एंड कॉन्स, मतलब ये दोनों चीजें आपने किसी भी सिचुएशन में प्रोज एंड कॉन व्हाइट एंड ब्लैक को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कैन बी फॉलोड विद सम ब्लू हैट और रेड हैट थिंकिंग, थिंकिंग थोड़ी चेंज होगी तो आप एक कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, थ्रोइंग मोस्ट ऑफ योर लंच इन द बिन एवरी डे, कचरे में आप अपना खाना जो है वो वेस्ट करते हैं, ठीक, तो अब आप सोचे कि ये सही है या गलत है, ठीक है, ठीक है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं किसी को घर में बताए बगैर माँ बाप को, ठीक है, ठीक है। अब ये डिजाइन सीक्वेंस, अब डिजाइन सीक्वेंस ये है कि स्टूडेंट्स को नई आइडियाज क्रिएट करने के लिए, देखिए होना ही चाहिएगा कि तालीम जो है ना वो जहनों को खोले, ठीक, क्रिएटिविटी हमारी तालीम नहीं ला रही, लिमिट कर रही है, लिमिट कर रही है, क्योंकि रटाया जा रहा है। अब ये वो चीजें कि ब्लू ग्रीन एंड रेड हेड्स को यूज कर कोई नया अंदाज सोचा जा सकता है, कोई चीज फॉर एग्जांपल एक नया टूथब्रश कैसे बन सकता ठीक है, और होमवर्क की जगह क्या अल्टरनेटिव ला सकते हो, सही सही, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल होमवर्क है तो होमवर्क कैसे एंटरटेनिंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। और ये सारी हैट्स में लगता है बच्चों या टीचर्स को जरूरत है, सबके लिए होती है। हाँ। ये टीचर्स यूज करते हैं, बड़े बड़े सीईओज यूज करते हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ बैंक्स यूज करते हैं, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस ने ये टेक्निक यूज की, पता है। अभी अदर सीक्वेंसेस इसमें आप रेड एंड प्लस व्हाइट को, रेड एंड व्हाइट के, रेड एंड व्हाइट ये है कि ओपिनियन और फैक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ओपिनियन पर्सनल होता है, फीलिंग्स होती है, फैक्ट जो है वो लॉजिकल होता है, तो व्हाइट उसमें आता है, ठीक है। दैट मींस कि आप पहले ओपिनियन, आपका जो खुद का पर्सनल ओपिनियन उसको एनालाइज करें और फिर जो फैक्ट्स है आपके पास उसको एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये हो सकता है कि मैं एट द एंड ऑफ द मंथ मैथ्स पूरा कर लूंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं मैथ्स बहुत वीक हूं, बहुत वीक हो, तुम टाइम नहीं दे रही हो, तुम हेल्प नहीं ले रही हो, तो तुम्हारा ओपिनियन गलत हो सकता है, फैक्ट कुछ और हो सकता है। तो इन दो टोपियों के जरिए आप एक कंक्लूजन पे आएंगे कि यार आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है। अच्छा, फिर है ब्लैक येलो एंड ग्रीन कंपेयरिंग एंड सिंथेसाइजिंग, कमिंग आउट विद न्यू आइडियाज फ्रॉम समथिंग अननोन, यानी कोई नोन, सॉरी, कोई ऐसी चीज जो आपके पास है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल स्टडीज लेके बैठे हैं ना, अब इसमें से नई आइडियाज कैसे जनरेट करें। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि जैसे हमने कल एक बात की कि जी आप रात को जल्दी सो जाए,
आम तौर पर हम रात भर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं नई आइडियाज ये जनरेट की कि जी आप रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ के पढ़े। कल हमने एक और नई आइडिया की बात की जो मुझे लगता है, पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग उस बात को नहीं समझे, उनमें से एक ये बात थी कि आप जब अपने जहन में कोई सोच रखते हैं तो जिस तरह किसी कंटेनर में अगर आप पानी भर दें तो वो उस कंटेनर का हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, तो वो सोच उस वक्त उस चीज का हिस्सा ऑक्यूपाई कर रही होती है। सो देयर इज नो प्लेस फॉर न्यू थिंकिंग, और किसी और नई चीज की जगह नहीं होती। तो पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले यू नो क्लियर इट अप, बिल्कुल सही बात। एंड दीज थ्रू दीज सिक्स हैट्स वी कैन क्लियर आवर थॉट्स। यदि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ फैक्ट्स है, ठीक है, मगर वो फैक्ट्स आपकी प्लानिंग में है कि नहीं है, ठीक 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 है ना, आप जो प्लान कर रहे हैं उसमें आपने उन चीजों को मद्देनजर रखा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक चीज बना रहे हैं और आपको पता है आपने सीमेंट रखी है, घर बना रहे हैं और आपने ओपन में सीमेंट रखी है और बारिश का मौसम है, तो फैक्ट ये है कि बारिश होने वाली है और बारिश अगर गिरेगी तो सीमेंट जो है वो पत्थर बन जाएगी। तो प्लानिंग के अंदर क्या आपने उस फैक्ट को मद्देनजर रखा है कि सीमेंट की बोरिया आपने ऐसी जगह रखनी है, तरपाल लगानी है कि बारिश हो तो सीमेंट की बोरिया खराब ना हो। दैट मींस आपको अपने पूरी स्टडीज के, अपने पूरे प्लान के प्रोज एंड कॉन्स को पूरा देखना है, और फिर आपने अपने पर्सनल ओपिनियन से या फैमिली के ओपिनियन से नहीं चलना, फैक्ट्स एंड ओपिनियन दोनों को साथ रख के चलना है। इसमें होता ही है कि मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं, ये फैक्ट है न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ब्रेन और आपका बॉडी जो है वो आपस में बड़ा अमेजिंगली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप ट्राई करके देखें, खासकर मेरे स्टूडेंट से गुजारिश है, आप कोई चीज़ सोचना चाह रहे मगर नहीं सोच पा रहे, एक काम करें, कुछ देर के लिए यूं हो जाए, अल्लामा इकबाल बन जाए, आंखें नीचे करें, कुछ देर में आपकी सोच बड़ी तेज हो जाएगी। क्यों? ये पोस्चर से समहाउ आपकी न्यूरोलॉजी यानी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो असरअंदाज होती है। इसी तरह आपने कोई चीज़ देखी आपको याद नहीं आ रही, तो बेस्ट तरीका पता है क्या है? यूं सोचे, आंखें ऊपर करके सोचे, आपको याद आ जाएगी। अच्छा ये है। अच्छा इसी तरह अगर हम देखें तो बच्चे अक्सर लेट के और टेढ़े होके और सीधे होके पढ़ते हैं, हाय हाय बड़ा नुकसान करता है। पोस्चर से फर्क पड़ता है, पोस्चर से फर्क पड़ता है, दौराने खून असर अंदाज होता है, प्लस आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जिसको हम नर्वस टोन कहते हैं जो स्पाइन से, वो डिस्टर्ब होती है ब्रेन से बॉडी को। कंफर्टेबल पोजिशन हो, रिक्लाइनर हो भले आपको पास, और आप आधे आधे घंटे बाद ब्रेक लें, कुछ पानी पिए, पानी तो बहुत पिए एग्जाम्स के दौरान, स्पेशली स्टडीज एग्जाम के दौरान पानी बहुत पिए, कंफर्टेबल पोस्चर हो आधे घंटे, बल्कि हम तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आधे घंटे के बाद जो 5 मिनट की ब्रेक हो उसमें चाहे तो कुछ गाना गुनगुनाएं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर अलमीना साहिबा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अलमीना? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। और कल मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, सर की बताई हुई टेक्निक यूज की थी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू सो मच पहले तो। और सर मुझे ये पूछना था, केमिकल इक्वेशंस जो होती है केमिस्ट्री में और फार्मूला याद करने का कोई तरीका है? और सर दूसरा सवाल मेरा ये था, सर एग्रेशन बहुत हो जाता है एग्जाम्स के दौरान, सर उसको कम करने का तरीका बताएं। वजह ये एग्रेशन इसलिए होता है, यस सर बहुत एग्रेशन हो जाता है इसलिए कि आप एग्जाम देते वक्त रेड टोपी पहन के एग्जाम दे रहे हो, तो फीलिंग मोड में होते हो आप। इसी अगर फीलिंग मोड हटा के आप व्हाइट पे ले आओ तो बेटर होगा। अच्छा यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम की तैयारी भी करो तो अगर इस हेड के प्रोसेस से गुजरते हो तो आपको पता चलेगा ठीक है नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम एग्रेशन, एग्रेशन की वजह से माय माइंड इज ऑक्यूपाइड। सो अब आपका ओपिनियन एग्रेशन है और आप इस पे देखें क्या फैक्ट है, फैक्ट क्या फैक्ट आ रहा है, तो अगेन कंपैरिजन और कंक्लूजन के अंदर आके वो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा एक और चीज मुझे अभी बड़ी जहन में भी थोड़ी देर पहले आई थी जो अभी है मेरे जहन में, कर लेती हूँ, भूल गई तो मैंने भी आंखें ऊपर कर ली। अच्छा वो ये थी कि अक्सर देखा गया है मैंने कि बच्चों के फेवरेट कार्टून आ रहे होते हैं एग्जाम के दिनों में। अब माँ बाप उस वक्त कार्टून तो देखने नहीं देते, लेकिन बच्चे का जो माइंड है, बच्चे का जो ब्रेन है, वो कार्टून पे होता है जब तक कि वो एक से डेढ़ का कार्टून खत्म ना हो जाए। जब 1:30 बजे कार्टून खत्म होता है तो बच्चा कहता है अब लेट गो कर लो, अब देख ही नहीं सकता। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या उनको देखने दिया जाए? उनका माइंड लेट देम वॉच, ये तुम्हें पागलपन है, ये दीवानगी है, बेवकूफी है कि आप घंटों एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा पढ़े और उसको याद रहे। रिसर्च ये कहती है कि एक आम एडल्ट का, बच्चे का ज़रा सा और कम होता है, एडल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो मैक्सिमम 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, बच्चे का 20-25 मिनट तक होता है। होता ही है कि पढ़ने बैठा, मिसाल के तौर पे ये बेस लाइन है, पढ़ने बैठा, कॉन्सेंट्रेशन हुआ, 4-5 मिनट के बाद हाइएस्ट लेवल पर पहुँचता है बिल्कुल तवज्जो, और ये कोई 25-30 मिनट के बाद डिक्लाइन करता है, यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको 40-50 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, आपने उसको डंडा दे के बिठाया हुआ है, अब वो इस बेस लाइन पर वापस आ गया है, अब वो जो पढ़ रहा है ना वो समझ रहा है ना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इम्तिहान में जब सवाल आएगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा, पढ़ा है
रिकलेक्ट नहीं कर सकते। रिकलेक्शन इज बेसिकली मेन इशू। अभी रिकलेक्शन की भी हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, हाउ टू रिकलेक्ट, कि रिकलेक्शन की जो रात को आप एक्सरसाइज बताते हो वो भी हम बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल, ये तो चलो स्टूडेंट्स वाली बात हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट, कि माँ बाप का टोकना रोकना, तो उन तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर भी वो हेड्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि मेरी माँ की एक्सपेक्टेशन मुझसे ज़्यादा है, तो अगेन ये टेक्निक्स, क्योंकि कल अवेलेबल होगी सारी इसकी, वो यूज़ करें। अच्छा रहे, मेरे जहन में आता है, दैट मींस अगर माँ का ओपिनियन है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा, दैट्स मदर्स ओपिनियन, मदर्स ओपिनियन, और अब बच्चे को देखने के फैक्ट में मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, और उनकी ओपिनियन से मैं कहाँ, ये रेड टोपी पहनकर अपनी माँ के बारे में सोचेगा, तब उसकी फीलिंग्स क्या है, जो उसकी माँ की फीलिंग्स की वजह से उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन होती है और वो नहीं परफॉर्म कर पाता। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, मगर कामयाबी के लिए फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। एडमिशन के लिए जरूर है, एडमिशन के लिए जरूरी है, कामयाबी के लिए जरूरी नहीं। ठीक है, और अब तो खैर एडमिशन के लिए भी जरूरी नहीं, पाकिस्तान में तो कोई और चीज से इंसान डिग्री है, जाली हो के कोई, सही बात है। अच्छा मुझे बात है कि यानी कि ये जो लाल, ये जो छह टोपियां, सॉरी लाल पे मटक गई जरा सा, मेरा प्यार तुम्हें रहे प्यारा वाला करे। हाँ। और तुम वो जज्बाती, तुमने जब ये टोपी पहनी तो तुम्हारे फेस का रंग चेंज हो गया। जाहिर सी बात है, इतना खूबसूरत रंग पे आप लाल कलर चढ़ाओगे तो चेंज होना ही था। खैर, ये छह जो हमारी टोपियां हैं, ये टोपियां हम जिंदगी में किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनीथिंग, आप स्टूडेंट है, चूंकि हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, मैंने कहा ना मियाँ बीवी में अगर तनाजा हो और बात खुदा ना खास्ता ला ताल्लुक पे, सेपरेशन पे या तलाक तक पहुंची हो, तो इस टेक्निक के जरिए अगर ये दोनों ये टेक्निक कंटिन्यूसली करें, कुछ दिनों में दे विल अराइव विद अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन, एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेंगे जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा, दोनों को मंजूर होगा, और इंशाल्लाह वो बात खराब नहीं होगी। अच्छा, शर्त ये है कि दोनों करें। इसकी जब मैंने थेरेपीज लेना शुरू की थी तो बेचारे लोग आते थे, उनसे सवाल पूछे थे उनको, अच्छा देयर इज अ वेरी मेजर इशू इन आवर सोसाइटी कि पीपल डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, you know, and how do they feel? The feeling is always in ambiguity. उनको ये नहीं पता इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, वो ये समझते हैं जी बस बुरा ही फील कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ही फील कर रहे हैं, और माँ के लिए तो बुरा फील करना ही बुरी बात है। सही बात। तो वो जो सारी एम्बिक्यूटीज हैं वो बड़ा you know, एक ट्रबल क्रिएट करती है, और लोगों को अंदाजा नहीं होता कि उनका जो बिहेवियर होता है जब वो अमल करते हैं, एक्ट करते हैं, उनके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो इमोशन और बिहेवियर को सेपरेट करना बड़ा जरूरी है। फैक्ट की कौन सी टॉपिक थी, फैक्ट वाली नहीं, वो तो नेगेटिव चीजों के लिए, ये पॉजिटिव आउटकम है। चले जी, हमारे व्यूअर्स के लिए नेगेटिव, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाएगा, डॉक्टर मोइज लाउंज देखते रहिए, क्योंकि अब हम और भी बातें करने वाले हैं। कीप वॉचिंग।